पेट क्या चीरा हुआ था सांस जो आवाज आया आवाज आवे छे सौ बंद थी जो जी बंद थी जाए पछी रोटली खावे पेट अंदर खेचो बस रस તમને તો સંભળાય છે ગડગડાટ બધા શેક કરવાનું ચાલુ છે ચાલુ કરવાનું હું રોજ છે સ્લો છોડો શ્વાસ લો પડશે આમ જોવા પડશે શ્વાસ લો છોડો जब हम पेट की मालिश कर रहे थे तो इसमें से एक स्पेशल प्रकार की आवाज आती थी जिसको गुड़गुड़ाहट सी आवाज आती थी उसको नल वायु बोलते हैं आयुर्वेद में और IBS भी कहा जाता है। तो ये नल वायु भरने की वजह से आते हम हमारा जो हम खाते हैं उसको प्रॉपर उसके विटामिन मिनरल्स कैल्शियम वगैरह एब्सॉर्ब नहीं कर पाते तो कमजोरी सी भी रहती है जैसे कि ये बाइको थी बराबर सिक्स महीने से उनको ये कमजोरी थी अभी बेटर है एक ही सेशन लिया इन्होंने तो इसको ऐसे नल वायु को यहाँ से हटाना जरूरी होता है एक तरह के पानी और गैस की आवाज होती है ये जो आंतों में रह जाता है तो ये ना हो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम खड़े खड़े पानी ना पिए तो बहुत आराम से धीरे धीरे जब भूख लगे
तो पानी ना पिए, प्यास लगे तभी पानी पिए और वो भी बैठ के आराम से। हम जब भूख लगती है तो खाना खाया जाता है, पानी नहीं पीते। ज़्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए, अपनी ताकत की अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वजन नहीं लेना चाहिए। तीसरा, जब काम कर रहे हो पेशाब लगे तो उसको कभी रोकना नहीं है, क्योंकि इससे भी बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो जब भी पेशाब लगे आप काम को थोड़ा बहुत रुक के कर आए, ठीक है। ये सब ध्यान रखेंगे तो ये नल वायु की समस्या नहीं होती है। इसमें शरीर एक तरह से सूखता जाता है, वजन भी बहुत जल्दी कम होता है, लेकिन ये सही होने के बाद सब बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। बहुत सारे लोग इससे परेशान हो रहे हैं तो मैंने सोचा कि आप सबको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं। धन्यवाद।